गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल बी एक्सप्लेन द दिस चैप्टर्स, द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर्स लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लास्ट डे हम लोगों ने इसी टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। उसी क्रम्स में कंटिन्यू हम लोग करते हुए आज हम लोग टुडे विल बी डिस्कशन एनी अदर टॉपिक्स। लेट अस स्टार्ट नाउ। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द दिस चैप्टर्स इज कॉल्ड द आप लोगों लैंड और सॉयल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, उनके मेथड्स कंजर्वेशंस भी। और आज हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसी का था, वो है हमारा जिसका नाम है वाटर। आपका जो है वाटर इज़ द वाइटल रिन्यूबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपका रिन्यूबल रिसोर्सेज है ये वाटर, जो आपके लिए बहुत ही, क्योंकि जल है वो एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरण भी इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि भूपृष्ठ पर जो हमारा पूरा पृथ्वी पर यहाँ पर दिया है, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। हमारा जो पृथ्वी का 3/4 वो हिस्सा वो किसे पानी से ढका हुआ है, वो ठीक है। और इट इज़ द देयर फॉर द अपॉर्चुनिटी कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसीलिए हम इसको हमारा जो अर्थ है उसको हम क्या करते हैं, वाटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और इट वॉज द इन द प्रिमिटिव ओशियंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। अगर पीछे जाएँ तो बहुत हम लोग पीछे जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा वाटर प्लैनेट कहा गया इसको हम वाटर प्लैनेट के साथ साथ इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कह सकते हैं। ब्लू का मतलब नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो 3/4 इसका पृथ्वी का जब 3/4 भाग हमारा उससे जल से ही भरा हुआ है, तो इसलिए ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना सकता है। और ये तुम्हारे जो ओशियंस थे वहाँ से इसका प्रारंभ हुआ था, लगभग 3.5 अरब जो अनुमान लगाया जाता है, 3.5 अरब वर्ष पहले से ये इनका हुआ था। और वर्तमान समय में अगर अब कहा जाए तो महासागर जो हमारे पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग से ढके हुए हैं, यानी 2/3 भाग हमारा पृथ्वी की सतह से ढके हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपके 70% यहाँ पर दिया गया है, 70% ऑफ द ओक्योर्स एज द आइस शीट्स है, अलग अलग या 2.7% यहाँ पर अलग अलग ओशियंस का वाटर जो देखा फ्रेश वाटर अकाउंट, तो फ्रेश वाटर वो 2.7% है, और नियरली 70% जो है वो आपका ओके द आइस शीट्स जो बर्फ से ढका रहता है, ग्लेशियर्स उनमें आ जाता है, अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, माउंटेन रीजन है, ये सब आ जाते हैं। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इन अवेलेबल एंड फिट फॉर द ह्यूमन यूज़। केवल मानव जाति के लिए केवल 1% पानी ही में हुआ है फ्रेश वाटर अवेलेबल है। तो जिसको जो हमें वाटर कहाँ मिलता है, वो रिवर्स और लेक्स, ये सब ये जो फ्रेश वाटर वो कहाँ मिलता है, नदियों में और लेक्स में ही मिलता है। वाटर वेपर इन द एटमोसफियर, और वाटर वेपर जो हमें कहाँ मिलता है, एटमोसफियर में। तो ये हमारे ये क्या है, फ्रेश वाटर, इसी में आपका फ्रेश वाटर मिलेगा। इस टाइप से ये आपका जो और फ्रेश वाटर आर देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस, क्योंकि फ्रेश वाटर ही हमारे लिए बहुत ही जो अर्थ पर है वो बहुत ही प्रीसियस सब्सटेंस माना गया है। कि वाटर कैन नाइदर वी एडेड और नॉर सब्ट्रैक्टेड, ना तो उसको हम ऐड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं और ना ही उसको सब्ट्रैक्ट घटाया जा सकता है पृथ्वी से। जो टोटल वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट, पूरा जो कॉन्स्टेंट पूरा उसका होल वॉल्यूम है, क्योंकि इट इज़ द अबंडेंस जो अबंडेंस दिया गया है। ओनली द सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ द पूरा इसका कॉन्स्टेंट मोशन है, साइकिलिंग थ्रू द ओशियंस दैट एयर एंड लैंड, क्योंकि इसका जो ओशियन है वो पूरा इसका साइकिलिंग सिस्टम है। इसको आपने सुना भी होगा वाटर साइकिल, क्योंकि वाटर साइकिल में क्या होता है, पूरा जो हमारा वाटर साइकिलिंग सिस्टम्स में एवोपरेशन होते हैं, यहाँ पर पूरा जो प्रोसेस सिस्टम होता है इसमें एवोपरेशन, ठीक है, प्रीसिपिटेशन और रन ऑफ, दिस इज द ऑल नो रेफर टू इज द वाटर साइकिल। इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। यदि वाटर साइकिल को अपनाया जाए तो पूरा पृथ्वी, मान लीजिए ये आपका पूरा ओशियंस है, और यहाँ से क्या हो गया, ये जब ये आपका सन है और इस सन से क्या होती है, ये किरणें पे आती हैं, तो यहाँ से इसका वाटर जो एवोपरेशन होता है, एवोपरेशन होने के बाद ये सब सारा कहाँ चला जाता है, ये सूख लेता है, इससे जा करके यहाँ भी ये क्या, ये क्लाउड्स बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, और क्लाउड्स में जब ऊपर टेम्परेचर वही होता है तो ये बाद में ये क्या होती हैं, ड्रॉपलेट्स के रूप में धीरे धीरे ये टर्न होते हैं। तो ये पानी गिरते कहाँ करके, इस पूरे सागर में जाके गिरता है। तो ये हमारा पूरा क्या है, ये वाटर साइकिल है, ये
पूरा वाटर साइकिल बनाया गया है। तो इस टाइप से ये वाटर साइकिल्स जो ह्यूमन यूज हैगे अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि यदि कहा जाए मानव जो मानव है, क्योंकि और अगर जल चक्र जैसे हम लोग जो सर्किल कहा गया उसको, तो पूरा उसका जो साइकिल निरंतर गतिशील रहता है, ये कंटिन्यूस उसका चक्र पूरा बनाता है, वायु भूमि बने महासागरों में प्रक्रिया द्वारा वापस आ जाता है, वाष्पीकरण से, वर्षण से और वाह की प्रक्रियाएँ होती हैं उनके द्वारा ये पूरा जो वाटर साइकिल जल चक्र बना रहता है। अब जल का भी मनुष्य केवल जल का जो केवल पीने के लिए या मतलब धोने के लिए साफ करने के लिए नहीं करता, बल्कि ऑल्सो थिंग द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन के लिए भी, यानी जला जो इसमें प्रोडक्शन भी किसी भी निर्माण प्रक्रिया के लिए भी उसको प्रयोग किया जाता है, जैसे वाटर फॉर एग्रीकल्चर में करता है, इंडस्ट्रीज में करता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में भी पानी का यूज़ किया जाता है। तुम्हारी जब जो विद्युत बनती है वो आपकी वाटर के द्वारा वाटर साइकिल्स से ही बनती है, उसको जो हमारे डैम्स वगैरह उनको इकट्ठा करके और उसको मोशन में ला करके तब उसको किया जाता है, और उसी से ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होता है वो बनता है। रिजर्वेशन ऑफ द डैम्स को वहाँ रिजर्व करने करके पानी को, और अदर यूजेज द इंक्रीजिंग द पॉपुलेशंस, इस तरह बहुत सारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, डिमांड सपोर्ट भोजन की आवश्यकता होती है, कैश क्रॉप्स की, तो ये सब क्या है, इसके लिए हमें पानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें जो वाटर की है वो इरिगेशन के लिए भी यूज़ होता है, इरिगेशन के लिए भी हमें वाटर की यूज़ होती है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो कुछ ऐसी समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कुछ जो वाटर में जो कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी में जो आती है, जैसे विश्व में कई देश ऐसे जन्म जल की कमी भी हो गई है, जैसे अफ्रीका में आपका जो आपका अफ्रीका में वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए है, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको है, इन सभी में क्या है कि जल की आपूर्ति की कमी महसूस कर रही हैं, क्योंकि ये जैसे ऐसे ही जहाँ पर जलवायु प्रदेश में स्थित है, लेकिन और जहाँ पर स्थित है वहाँ अक्सर सूखा पड़ जाता है, उनमें जलभाव की जो समस्या हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार से जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण की वजह से, उसके कारण वेरिएशन जो वाटर वेरिएशन और सीजनल एक्टिविटीज़ होती है उनके द्वारा इनमें ये सारे कॉजेज उत्पन्न हो रहे हैं। तो उस तरह से हमें वाटर में भी, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हमें इसको कंजर्व करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर के मतलब कौन से ऐसे साधन है जिसको हम पानी को जिससे हम कंजर्व किया जाए। तो विश्व में जो हमारे वर्ल्ड में पूरे में अगर हम जो हमारे पर्याप्त जो जल स्रोत एक्सेस टू क्लीन वाटर और एडुकेटेड वाटर सोर्सेज है वो मेजर प्रॉब्लम फेसिंग कर रहे हैं आज वो विश्व में, टेकिंग टू द अगर हमको कहें तो टोटल लोग हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उन्हीं पर डिपेंड हैं, और वाटर हमारी सबसे एसेंशियल हमारी जो इम्पोर्टेंस है ये, और ये रिन्यूएबल सोर्सेज भी है, तो ये पॉल्यूटेड मेक्स इट अंडर, इसको हम लोग पॉल्यूटेड भी हो रहा है, प्रदूषण भी, जल प्रदूषण भी हो रहा है इसके अंदर, डिस्चार्ज ऑफ द अनट्रीटेड जो हमारे पार्शली ट्रीटेड हो से स्वेज एग्रीकल्चरल केमिकल्स, ये सब के इंडस्ट्रियल फिल्म ये हमारे वाटर को भी इम्प्योर कर रहे हैं। इस तरह से इनकी जो वाटर बॉडी मेजर जो कंटेनमेंट्स हैं, क्योंकि ये पॉल्यूट वाटर जो था विद इसके नाइट्रेट सिस्टम से होते मेटल्स जो पेस्टिसाइड सिस्टम्स होते हैं ये सब हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि इनका प्रयोग ज़्यादा होने से इनके, तो ये जो जल के इनमें, और अगर हमें जो जल संसाधन जो हमारे जो वाटर रिसोर्स है उसको हमें अगर कंजर्व करना है, उसके लिए कदम करने के लिए हमें कई मेथड्स को, बहुत सारे मेथड्स को हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि उनका कंजर्व करने के लिए मोस्ट ऑफ द केम जो हमारे जो मेथड्स हैं वो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ उसमें कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब सभी जानते हैं कि जो हमारे कंजर्व वाटर्स होते हैं जिसमें रेन वाटर है, रेन वाटर अगर हम उसको कंज्यूम वाटर करें तो हमारे बहुत सारे, अगर हम उसको वाटर पॉल्यूशन सिस्टम्स में अगर करते हैं तो पॉल्यूशंस में भी इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है इससे हमारा वाटर पॉल्यूशन हो रहे हैं, एक्सेसिव यूजेज ऑफ द पेस्टिसाइड बताए अपने उससे हो रहा है, और ये जो हम अगर कंजर्वेशन में आ जाते हैं तो यहाँ पर जैसे थ्री वेज हमें बताएगी कंजर्व करने के लिए वाटर को, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग इट इज़ द मेथड ऑफ द जो हमारा जो कलेक्टिंग वाटर होता है वाइल द इट रेन्स
सो दैट इन बे कम ऑफ यूज़ इन द फ्यूचर। तो हमें जो जो रेनिंग वाटर होता है उसको मैं पिट्स वगैरह बना करके या टिडब बना करके उनको हमें टैंक बना करके उनको स्टोर करना चाहिए कैसे भी ग्राउंड वाटर ग्राउंड डिवेंट में। जैसे हम लोग टैंक बनाते हैं तो उसको किसी पाइपलाइन के द्वारा उसको स्टोर करना चाहिए, इससे फ्यूचर्स में उस पानी का हम यूज़ कर सकें। आज हम लोग टंकी में पानी नया भरते हैं उसका फिल्टर करके हम यूज़ कर रहे हैं तो उस पानी का भी यूज़ करते हैं, वो तो और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर तो ठीक है। तो इस तरह से कैनल्स यूज्ड फॉर द इरीगेशन और उन्हें जो कैनल्स वगैरह होती है इनका इरीगेशन शुड बी द प्रॉपरली उसका यूज़ करना चाहिए, अनैसे यूज़ नहीं करना चाहिए। पाइपलाइन के द्वारा उसमें वेस्टेज नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए। सो ये सब हमें क्योंकि वाटर जो टेम्पोरेटेड होते थे वो फील्ड्स में खेत तक पहुँचने में वो हमारी हेल्प करते हैं। थर्ड में इसी थर्ड जो आपका मेथड्स में ड्राई जो रीजन्स होते हैं जो सूखे प्रदेश होते हैं वहाँ पर ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन सजेस्ट करनी चाहिए, वहाँ पर इस तरह से उनका यूज़ करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने मिलती हैं क्योंकि जो हमारा जल का रिसाव जो होता है बेहतर रहता है। हम लोग टेप्स वगैरह इनको बंद करना चाहिए, नहरों को ठीक से पक्का बना देना चाहिए क्योंकि उसमें पानी नीचे सोच के द्वारा चला जाता है। वाष्पीकरण को सूखे प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप और अथवा टपकन विधि होती जो उसके द्वारा करना चाहिए। और भी बहुत सारे वन और अन्य वनस्पति जो हमारे ये प्लांटेशन इम्प्लांटेशन पे हमें इनका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए भूमिगत जल को, क्योंकि भूमिगत जल हमारा दोबारा से तभी पूरित हो सकता है। तो ये हमारे ये जल संसाधन के कंजर्वेशन ऑफ यहाँ पर बहुत सारे ये और भी दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आपका मेन टॉपिक्स है उसमें आपका न्यू टॉपिक्स आता है इसका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्योंकि वाटर जिस तरह से उसी तरह से नेचुरल वेजिटेशन जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन है ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। सम स्कूल चिल्ड्रंस वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन द हैंडीक्राफ्ट वगैरह बहुत से लोग बच्चे जो एग्जीबिशन लगती है हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं तो ये सब क्या है इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। क्योंकि आर्टिकल्स जो बनाते हैं एग्जीबिशंस लगाते हैं कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कहीं किन्हीं देशों से अलग लोग बना के लाते हैं तो वो सब क्या है उनको कहीं ना कहीं से इकट्ठे करते हैं जूट वगैरह उनके लिए से या उनके उसके द्वारा कोई भी इमेजेस बनानी ये सब बनाना तो क्या सब ये हमें जब हमारे वो प्लांट्स नहीं होंगे तो वहाँ इसको हम कहाँ से डेकोरेट करेंगे। नेचुरल क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन कंटेक्ट बिटवीन टू द लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमोस्फीयर। क्योंकि ये सब कंटेक्ट किनके बीच में होता है जो हमारा हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर है ये एटमोस्फीयर उसी को हम क्या बोलते हैं वायोस्फीयर बोलते हैं। क्योंकि जो वायोस्फीयर होता है वही हमारा क्या होता है जो हमारे जैव मंडल कहलाता है। क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति में और वन्य जीवन में केवल स्थल मंडल जो हमारा था जो भी है जल मंडल वायुमंडल इनके बीच में जुड़े हुए जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं जैव मंडल। और जो हमारा पूरा है इसका जो जीवित रहने के लिए इनका एक दूसरे पर परस्पर संबंधित निर्भर कर रहते हैं वो क्या कहलाता है इकोसिस्टम इन द वायोस्फीयर। क्योंकि जो वायोस्फीयर में लोग रह रहे लिविंग थिंग्स बींग्स हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में अंदर से एक दूसरे से जुड़े होते ही नहीं एक दूसरे को सर्वाइव करते हैं। और दिस लाइफ सपोर्टेड बाई सिस्टम ये किसी एक सिस्टम के द्वारा सपोर्ट की जाती है जिसको हम क्या कहते हैं इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं। और इसमें वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल संसाधन है बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज हैं ये। क्योंकि इनका हम जब इनको कंजर्व करते हैं क्योंकि वेजिटेशन जिस हमारे लिए और प्लांट्स प्रोवाइड क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं प्रोवाइड क्या कराते हैं हमें टिबर्स गिफ्ट सेल्ट जिनसे हम सेल्टर्स जो एनिमल्स बनाते हैं प्रोड्यूस ऑक्सीजन भी मिलती है हमें इससे जिसे हम सांस लेने में यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट सॉइल ये ज़मीन जो हमारी भूमि होती है उसको भी ये प्रोटेक्ट करती है सॉइल मिट्टी को भी करती है सो एसेंशियल फॉर गिविंग क्रॉप्स जिससे हमें अच्छी फसलें उगती हैं एक सेल्टर्स बेल्ट्स बनते हैं और स्टोरेज ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर तो ये सब हमें कहाँ यहीं से प्राप्त होती है। फ्रूट्स वगैरह हैं नट्स हैं लेटेक्स हैं ऑयल सिस्टम्स है गम है मेडिकल मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं कुछ जो हमें जड़ी बूटी बूटियाँ देते हैं तो ये सब हमें कहाँ नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होते हैं क्योंकि इन्हीं सबकी सहायता से क्योंकि इनका हम प्रयोग किसके लिए करते हैं द यूजेज ऑफ अगर हम इस बात की जाए यूजेज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन तो नेचुरल वेजिटेशन का यूज हम किसके लिए करते हैं प्लांटेशन के लिए। और प्लांटेशन में क्या आती है हमें वुड्स लकड़ी प्राप्त होती है
जिसका यूज है, इसको हम किसके लिए करें, इंजन के रूप में करते हैं, ठीक है, इंजन के रूप में इनको यूज़ किया जाता है, और हम इसको फर्नीचर्स को कवर यूज़ करते हैं, और इनके द्वारा कुछ प्राणी आसे भी देते हैं, टिम्बर्स वगैरह बनाते हैं। दूसरा में प्लांट्स के वेज के द्वारा में उनके हमारे प्लांटेशंस होते हैं, उनके द्वारा में ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और जो ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं वही हमको मिलती है। आज अभी इस टाइम कोरोना काल में आपने देखा कि कितनी प्रॉब्लम ऑक्सीजन की आ रही है, उसका कारण क्या, यही तो है, क्योंकि प्लांटेशन हमारे बहुत हो गए हैं, नई तकनीकी आने के कारण से, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से, सारे जो प्लांटेशन को नष्ट करके नई नई बिल्डिंग्स तैयार हो रही हैं, कहीं आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, और ये हमारा जो इसमें फल उगाने के लिए हमें आवश्यक मृदा की भी आवश्यक करते हैं, क्योंकि जो मिट्टी है वो इसी से मजबूत अच्छी मिलती है। बहुत सारी भूमिगत जल जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर्स होता है उसको संग्रह करने में ये सहायक होते हैं, क्योंकि जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन होती है वो हमें न कि हमें ईंधन के लिए, बल्कि हमें फल फूल, हमें खाने के लिए फल, जड़ी बूटियाँ, मिट्टी में बहुत से प्रकार के हमें ऑयल वगैरह भी प्राप्त होती हैं, औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं, जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। हमारी जो आयुर्वेदिक होती है वो सारी इन जड़ी बूटियों पर डिपेंड होती है, क्योंकि उसमें केमिकल नहीं होता, ओरिजिनल सब होती है। इसी प्रकार से आपका वाइल्ड लाइफ, अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड अगर उसमें किया जाए तो उसमें वाइल्ड लाइफ में आपका क्या, वाइल्ड लाइफ को अगर दिया जाए तो वन्य जीवन में आपका इंक्लूड क्या है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं यानी पक्षी हैं, जानवर हैं, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े हैं, एज वेल द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स हैं, जलीय जीवन में जल के अंदर रहने वाले मैमल्स वगैरह होते हैं, वो उनको हैं, वो हमें, वो भी हमें कुछ ना कुछ, हम लोग उनकी यूज़ कर रहे हैं, स्किन का यूज़ कर रहे हैं, उनके उनके जो हेयर होते हैं उनका यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उनके द्वारा दिए गए हमें मिल्क मिलता है, मीट है, वो इंसेक्ट्स लाइक द वीज है प्रोवाइड द हमें हनी, वीज मधुमक्खियों से हमें क्या होता है, शहद मिलता है, आपका रेशम जो होता है उसके द्वारा भी हमें मिलते हैं, सीप होते हैं, बहुत सारे ये जो हमारे इंसेक्ट्स वगैरह इनसे भी हमें, तो ये सब हमारे इकोसिस्टम्स को क्या करते हैं, जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं इकोसिस्टम्स को, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द वर्ल्ड फीड द इंसेक्ट्स एंड एक्ट लाइक द डेमो डिकम्पोजर्स एज वेल एज वी डिकम्पोजर्स करते हैं, जैसे वल्चर है, वल्चर डू इट्स द एबिलिटी टू द फीड ऑन द डेड लाइव स्टॉक, सो डेड लाइव स्टॉक उनको भक्षण करते हैं ये, तो उससे भी हमारा इकोसिस्टम्स भी सही रहता है, क्योंकि बस पक्षी मर जाते हैं उनको, तो वल्चर क्या होता है, गिद्ध होता ही होता है। उसी तरह से बहुत सारे जो कंजर्वेशन, जो वाइटल, जो क्लीनर ऑफ द हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने में ये हेल्प करते हैं, एनिमल्स वगैरह ही होते हैं जो सब ये, सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, बड़े हो या चाहे छोटे हो, कैसे हो, ये सब इंटेग्रल रूप से मेंटेनिंग करते हैं बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम पारिस्थितिक को संतुलित करने में सहायक होते हैं। अब उसी प्रकार से अगर कहा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, नेक्स्ट टॉपिक इसी में आपका आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अगर प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण होता है, तो द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो वेजिटेशन की ग्रोथ होती है वो डिपेंड किस पर होती है, प्राथमिक रूप से वो टेम्परेचर यानी तापमान और मॉइस्चर पर, क्योंकि मॉइस्चर आर्द्रता पर निर्भर होती है। और जो हमारे वर्ल्ड में है, द मेजर वेजिटेशन टाइप्स जो होते हैं एंड द वर्ल्ड में ग्राउंड ये ग्रुप डिवाइड, जिसमें फॉरेस्ट हैं, ये वन हैं, ग्रासलैंड्स हैं, स्क्रब्स हैं, टुंड्रा हैं, ये सारे क्या हैं, सब ये हमारे ये विभिन्न प्रकार के ये वनस्पतियाँ हैं, जो वन घास स्थल से बोलते हैं, गुल्च बोल सकते हैं इसको हम, और टुंड्रा जो स्क्रब्स होता है उसको गुल्च बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें उनका वितरण किया जाता है, इन एरियाज और हैवी रेनफॉल, जिन क्षेत्रों में इन हैवी रेनफॉल जहाँ पर बहुत बारिशा होती है, हक ट्रीज वहाँ पर बड़े बड़े लंबे वृक्ष होते हैं, मेजर थ्री तरह फॉरेस्ट आर द थर्स द एसोसिएटेड विद द एरियाज हैविंग द अमेंडिंग द वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई करते हैं इसमें, बहुत सारे साइज अलग होते हैं पेड़ों के, साइज उनकी डेंसिटी स्टम ये होते हैं, स्क्रब्स होते हैं जो होते हैं, स्क्रब्स होते हैं पर भी झाड़ियाँ होते हैं, स्कलम्बर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप के हमारे बहुत सारे स्क्रब्स के रूप में यूज होते हैं। इनकी रूप जो एरियाज होते हैं प्लांट्स हैं द डीप, इनकी बहुत गहरी जड़ें, बहुत लंबी गहराई तक उनकी रूट्स जड़ें होती हैं वो चली जाती हैं। लीव्स हैव द थ्रोनी, उनकी पत्तियाँ जो थ्रोनी कांटेदार होती है, वैक्सी सर्फेसिस होती हैं, रिड्यूस ऑफ लॉस मॉइस्चर, कम मॉइस्चर में जो
ट्रांसिशन फॉरेस्ट में आपका या आपका रेगिस्तान वगैरह होती है, वहाँ कटीली झाड़ियाँ होती हैं, कैक्टस वगैरह इस टाइप की, क्योंकि वो सब वहाँ के मॉइस्चर पर डिपेंड करती हैं। फॉरेस्टियल ब्रॉडली क्लासीफाइड एज द ईवरग्रीन और द डिसीडियस, यानी दो टाइप, ईवरग्रीन मतलब सदाबहार जिसे बोलते हैं, सदाबहार के रूप में होती हैं, क्योंकि वो जलवायु परिवर्तन और मानव के रूप में हस्तक्षेप करती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलती हैं, क्लासीफाइड द अलग अलग उसमें। टुडे देयर आर द मेनी मोर द पीपल द वर्ल्ड देन थ्री वर टू सेंचुरीज बैक, क्योंकि दो सेंचुरी भी अगर जाते हैं, फीड द ग्रोइंग ऑफ द नंबर्स ऑफ द लार्ज एरियाज फॉरेस्ट, बहुत बदलाव, अगर 200 पहले तो बहुत चारों तरफ आपके जंगल ही जंगल थे, लेकिन आज के दिन बहुत सारे कम हो गए। वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो देयर आर द अर्जेंट नीड टू द कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्सेज, और हमें इस वैल्यूएबल, क्योंकि बहुत आवश्यक रिसोर्सेज है हमारा, नेचुरल वेजिटेशन है, तो इसको हमें कंजर्व करना चाहिए। इसको कंजर्व करने के लिए हमें कुछ, इनको कंजर्व करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ जो हमारा वनस्पति है उसको कंजर्व करने के लिए हमें बहुत सारी जो मेथड्स होते हैं इनका यूज़ करना चाहिए हमें, क्योंकि जो हमारे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज के माध्यम से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब हम जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन की इम्पोर्टेंस होती है बताइए, तो हमने प्रोवाइड शेल्टर बनाने के लिए होते हैं, टिम्बर्स ये सक्योर होती है, उसी प्रकार से उनको हमें कंजर्व भी करना चाहिए। क्योंकि और हमारा जो फ्रेश वाटर मैंने आपको बताया था, ग्राउंड वाटर, वाटर रिवर्स और लेक से 1% केवल है वाटर वेपर है। उसी तरह से इसमें आपका जो वन महोत्सव होता है वनों, तो इसीलिए हमारा ये सोशल प्रोग्राम इसीलिए किया जाता है, इसका उद्देश्य होता है कि प्लांटिंग द ट्रीज, जो ऑर्गेनाइज संगठन के द्वारा उनको कम्युनिटी समुदाय के द्वारा उनको क्या किया जाए, वन प्लांटेशन किया जाए, वन महोत्सव एक कार्यक्रम इसलिए चलाया जाता है। और हम इनको अगर कंजर्व करें, कंजर्व करने के लिए हमारा जो डिफॉरेस्टेशन से सब सिस्टम्स को बंद करना चाहिए, सॉयल इरोजन को रोकना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ को रोकना चाहिए, फॉरेस्ट फायर्स और सुनामी वगैरह इन सभी से हमारा क्या हो रहा है, ये सब इसी से हमारे जो कंजर्वेशन और हो रहा है इसी के कारण हो रहा है। ये सभी इन सब हमको रोकना चाहिए, क्योंकि और फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, फॉरेस्ट जो हमारे लिए वेल्थ के रूप में गाते हैं, प्लांट्स आर शेल्टर्स एनिमल्स, ये क्योंकि ये मेंटेन करते हैं किसको, इकोसिस्टम को। चेंज द क्लाइमेट और ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, इससे बहुत सारा हैबिटेट होता है, और प्लांट्स के लिए भी होता है, पौधों के लिए भी और जीव जंतु के लिए भी होता है, क्योंकि इनमें जो उत्तर की बेसिस द एक्सीनेशन डिफॉरेस्टेशन है, सॉयल इरोजन है, इन सभी ये कंजर्वेशन में हम इनको अवॉइड करना चाहिए, इनको बहुत सारा हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन मेड एंड द नेचुरल फैक्टर्स, ये नेचुरल फैक्टर्स हैं। लॉस जो हमारा रेन फॉरेस्ट होता है, द ग्रेट निकोबार आफ्टर दैट सुनामी, ये जो इसका सुनामी के कारण कितने किस तरह से ये कंजर्व हो गया, तो इस तरह से हमें बहुत सारे इनके ये में यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इनका यूजेज है वो बहुत ही नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हमें वन वनपति को उनको करने के लिए कंजर्व करने के लिए उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान भी लगाने चाहिए, चीता शेर इनके, इनको जागरूकता, इनको इनका संरक्षण किया जाए, इनको रखा जाए, जो घाटियाँ झील हैं उनको समान से उनको बचाया जाए, समूल संसाधन वाली हैं, ये सब सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। क्योंकि यहाँ पर हमें वन्य जीवन, उनको दोनों को इंक्लूड इसलिए कहा जाता है कि अगर वन्य है तो वन्य जीवन भी है, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु वो भी वहाँ पर विचरण करेंगे, अगर वन्य नहीं होंगे तो उनका भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो भी हमारे लिए किसी न किसी तरह से हमें इकोसिस्टम्स को कंटिन्यू करने के लिए, बचाने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये सारा ये चैप्टर आपका जो आपके यहाँ पर वाइल्ड लाइफ से दे रखा है, नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं, वाइस पे रिजर्व मेड ऑफ द प्रोटेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ रहेंगे तो कोई जानवर रहेंगे वो किसी न किसी उसको बचा के रखेंगे, क्योंकि अन्य कोई वहाँ पर अनप्रोसेस कर कोई भी वर्क नहीं होगा। कंजर्वेशन जो है वो ग्रीक्स लेक्स एंड जो हमें वेटलैंड्स होते हैं, इन द नेसेसरी टू सेव द प्रीसियस रिसोर्सेज फ्रॉम द डिपेंडेशन, जिससे ये खत्म था उसके लिए बता। नेचुरल पार्क माने क्या, ये नेचुरल एरियाज, जो हमारे नेचुरल एरियाज होते हैं, जो डिजाइनेटेड प्रोटेक्ट द जो हमारी इकोलॉजी इंटीग्रिटी को और इकोसिस्टम्स को बना के रखते हैं, करते हैं, उसी के लिए हमारे ये
इनको लगाया जाता है, तो ये इकोसिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा वाइल्ड लाइफ सिस्टम है वो वाइल्ड लाइफ सिस्टम इसी के द्वारा कर होता है। वाइस पे रिजर्वेशन है, अगर आपके आपका वाइस पे रिजर्वेशन, क्योंकि जैविक हमारा तभी रिजर्व रह सकता है जब उसको कंज्यूम करेंगे। अब इन्हें प्रोग्राम चलाए जाएँ, इसमें सोशल वर्सिटी के लिए हमने आपको वन महोत्सव है स्टेप्स के, क्योंकि इनका उद्देश्य ये होता है कि हमें अधिक संख्या में वनों को लगाया जाए। इंटरनेशनल कंजर्वेशन जो CITES है, ये हैज बीन एस्टेब्लिश दैट द लिस्टेड द सेवरल द स्पीसीज प्रजातियाँ जो वन जीव जंतुओं की हैं उनके बारे में खोजे देखा हमने, डायनासोर वगैरह इनके बारे में किया जा रहा है। तो ये सब हम कंजर्व जब इनको करेंगे, हम जब इनका इनको प्लांटेशंस करेंगे तभी तो इनको भी कहीं रखेंगे, घर में तो इनको रखा नहीं जाएगा। वाइस पर रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसीलिए बताया गया है कि ये सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लिंक्ड थ्रू द ग्लोबल नेटवर्क्स, क्योंकि उससे जुड़ी है पूरा ग्लोबलाइजेशन सिस्टम। जैसे हमारा नेटवर्क होता है जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है, वो ग्लोबलाइजेशन हम इंटरनेट सभी जुड़े तभी तो हमें पूरे ऑल वर्ल्ड की हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसी तरह से वन्य जीवन ये दोनों एक दूसरे से जब आपस में ये जुड़ जाएंगे तभी ये कंटिन्यूसली हमारे लिए जो भी प्रोटेक्टेड चीज़ें वो सारी प्रोटेक्शंस वो दे सकेंगे। तो इनका कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। ये टॉपिक आज आपका यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीक हम लोग अन्य सब्जेक्ट या किसी अन्य चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।